नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ट्रोल मय होने वाला है। जी हाँ, वो भी किसके ऊपर? पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर, क्योंकि ममता बनर्जी को इससे ज़्यादा ट्रोल होते हुए आपने आज तक नहीं देखा होगा। जी हाँ, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी आज जो है अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। जी हाँ, मानसिक संतुलन उनको खोते हुए आप देखने के लिए जल्दी से देख लीजिए। तो दोस्तों, आपने देख लिया। अब मैं आपको बता देता हूं कि असल में ममता बनर्जी ने अपना मानसिक संतुलन क्यों खोया। आज मीडिया में खबर आई है कि टीएमसी के जो है 3 विधायक और 50 पार्षद जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, 3 विधायकों के साथ 50 पार्षद जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हिल चुकी है बंगाल में, इसीलिए मानसिक संतुलन खोते हुए बीपी हाई कर लिया है ममता बनर्जी ने। लेकिन मुझे जो है कुछ और चीज़ पता चली जिसके कारण इनका बीपी इतना हाई मालूम होता है, वो आप देखना नहीं चाहोगे? खुद देख लीजिए सुबह क्या हुआ था। ठीक है जी, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ममता बनर्जी सुबह राजभवन से निकल रही थी और बाहर राजभवन के आउटर पे सड़क पे उनके साथ ये हादसा हो गया और जय श्री राम के नारे गूंज उठे। ममता बनर्जी का चेहरा देखने लायक था, फूल के गुब्बारा बन गया था, बस एक पिन मार देते तो पट से कि फूट जाता, लेकिन पिन थी नहीं किसी के पास। और उसी के बाद जो है ये आपको सीन और ये जो है आपको गुस्सा देखने को मिला ममता बनर्जी का। भाई मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ कि ये जो खुन्नस थी, ये जो गुस्सा था, ये किस कारण से था? ये श्रीराम वाले नारों के कारण था या भाजपा में तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पार्षद चले गए उस कारण से था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ममता बनर्जी ने अपना मानसिक संतुलन किस कारण से खोया। अगर आपको पता हो तो दोनों में से कोई एक कारण है या दोनों कारण है या कोई तीसरा कारण है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट पे अपनी राय दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल नितिन अपलोड सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बजा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।